लीलावती जी, स्वागत है आपका। हेलो जी डॉक्टर मैम। साहब से बात करा दीजिए। जी आदाबर लीलावती जी, जय हिंद। बताइए क्या सवाल। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए। सर जी, नमस्ते। जय हिंद लीलावती जी, वेलकम। हेलो मैम, टीवी मत सुनिए, टीवी से सुनेंगी तो आप देर में जवाब देंगी। आप सीधा बात कर रही हैं हकीम साहब से, आप फोन से बात कीजिए। मैम, फोन से बात कर रही हूँ, टीवी का आवाज मैंने कम कर दिया। बिल्कुल कम कर दीजिए, अब बात कीजिए, जी सवाल करिए। जी सर, मैं अभी बात कराती हूँ। हाँ, डॉक्टर साहब नमस्ते। आदाब, जय हाँ हिंद, स्वागतम। डॉक्टर साहब, रोज आपके ना प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो ना पैर है ना घुटना की तरफ से 4-5 दिन हो गया और बहुत दर्द हो गया, नस एकदम टाइट हो गया है। तो मैं प्राइवेट दवाई लेके आए हैं, बच्चे लेके आए हैं, और डॉक्टर साहब आपके ना, हाँ तो डॉक्टर साहब आप दवाई बता दो, दवाई के ऑर्डर दे दिए हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, आप हाँ देखिए, डॉक्टर की दवाई भी खाते रहे, दर्द हो रहा है तो मैं जो दवा बता रहा हूँ वो दर्द की नहीं, रोग की दवा है। वो दर्द रोग जाएगा तो दर्द जाता है। गौन सिया बहुत प्रचलित है, असली लें गौन सिया। शायद आपकी बहू से बात हो रही थी तो वो सुन रही होंगी। आधा ग्राम गौन सिया सुबह, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के बाद बगैर चर्बी के दूध से या पानी से देना शुरू कर दें और 5-7 दिन सब्र करें। इस उम्र में बहुत मेहनत का काम ना करें, और बहुत ज़रूरी है आपके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय बस। और बहुत काम ना करें, पोछा ओछा बिल्कुल नहीं लगाएं। अगर आप खड़े होकर सब काम कर सकते हैं, आप किचन में कुछ भी अगर जिम्मेदारी आप पर है तो खड़े होकर किचन में काम करिए। घुटनों के बल पर उकड़ू बैठना, देसी टॉयलेट में बैठना, ये बंद कर दें बस। और 100 ग्राम भी अगर आपने असली ले लिया तो फ़ायदा होना मुमकिन है।